नालंदा में पद संभालते ही नए जिलाधिकारी योगेंद्र प्रसाद सिंह सिंघम के रूप में दिखाई दिए। पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले ISO प्रमाणित बिहार शरीफ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल निरीक्षण की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां कई खामियां पाई। गड़बड़ियों को देख DM भड़क गए और उन्होंने अस्पताल के व्यवस्थापक से लेकर सिविल सर्जन तक जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने इस दौरान सिविल सर्जन, लेखापाल, व्यवस्थापक समेत कई वरीय पदाधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगा दिया और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं मरीजों के इलाज भगवान भरोसे ही होने की बात कही। और स्वयं सिविल सर्जन जो है मौजूद नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर मांगने पर जो है बहुत देर के बाद दे रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि जो है पीछे बैठ करके या तो अटेंडेंस बनाई जा रही है या कुछ अन्य काम किए जा रहे हैं। तो इतनी सारी जो दिक्कतें हम लोग दूर करेंगे, इसी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि हाँ जो व्यवस्थाएँ नहीं है तो उनके पीछे क्या कारण है। सर, वेतन रोकने की बात सामने आ रही है, जो लोग अनुपस्थित पाए गए हैं, जो लोग कार्य नहीं सही से कर रहे हैं, उनका तो सैलरी बिल्कुल रोकेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कुछ आंकड़ा भी है सर, कितने लोग को रोका जाएगा? ये भी सारे अटेंडेंस रजिस्टर हम लोगों ने यहाँ से ले लिए हैं। अभी ले जाकर के उसमें देखेंगे कितने लोगों ने बाद में बनाई है सर उसमें अटेंडेंस अपनी, कितने लोगों ने नहीं बनाई है, छुट्टी का कोई आवेदन है या नहीं है, आए तो सैंक्शन हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। हाँ, उनकी भी सैलरी रोक दी गई है क्योंकि वो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं और पूछने पर कोई भी जवाब नहीं किसी के द्वारा दिया गया। साथ ही जो जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं उनकी भी रोकी गई है क्योंकि जो MR का राउंड चल रहा है उसमें प्रगति जिले की काफी अच्छी नहीं पाई गई है। वहीं DM ने कड़े तेवर दिखाते हुए 3 दिनों के अंदर में बिहार शरीफ सदर अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने को कहा है। नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।